तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरोमा जैज डील में। आज लेके आए हैं सबकी फेवरेट मैगी की रेसिपी मसाले के साथ। देखिए, दो मिनट वाली तो हम सब बनाते हैं एंड खाते हैं, जो कि हम सबको बहुत टेस्टी लगती है। लास्ट मिनट खाने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हम क्या करते हैं, जब हम बनाते हैं हम मैगी को सेपरेट बॉयल कर लेते हैं और मसाला बनाने के बाद में उसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो आप वन पॉट मील भी बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एज गुड। सो हम बना रहे हैं यहाँ पे चार केक्स के साथ में। देखिए, एक तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है एंड दूसरी तरफ अब मैं तड़के की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल एंड जब तक पानी गर्म होता है, देखिए, सो हम मैगी का जो तैयारी है वो कर लेते हैं। 4 कप पानी लिया है, 4 सैशे मैगी के मसाले के साथ में एंड पानी में जब अच्छा खासा बॉयल आ जाए तो आप जो सैशे हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। एंड इसी के साथ में क्या है, पानी में बड़े अच्छे से जब मसाला मिक्स हो जाता है तो सारे के सारे स्ट्रेन्स जो हैं उनमें अच्छे से मसाला जो है वो कोट हो जाता है मैगी का। सो इसी के साथ देखिए, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं एंड हंगर भगाने के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन साइड गैस पे पानी गर्म हो रहा है मैगी के लिए एंड दूसरी तरफ जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक आपके साथ में दूसरी प्रिपरेशन भी शेयर कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर, मैं जो है, पानी गर्म हो चुका है सो इसको हम हाफ ऑफ करके डाल देते हैं। चाहे तो फुल भी कर सकते हैं, मैं इसे हाफ ब्रेक करने के बाद में हम डाल देते हैं। सो इसी के साथ देखिए, आप भी अपनी मैगी को रेडी कर लीजिए एंड एक बात का ध्यान रखिएगा जी, जब बॉईल करना है ना आपने, तो आप इसे 90% बॉईल करने के बाद में छोड़ दीजिए। पूरा 100 मत करेगा, बिकॉज जब आप इसको मसाले में मिक्स करेंगे ना तो वो फिर यू नो बिल्कुल क्या बोले, मतलब उसको नॉर्मल सा रह जाने वाला है, राइट। उसमें थोड़ा सा स्टिफिनेस रहना चाहिए। सो जिस तरीके से हम नूडल्स में करते हैं ना, आप उस तरीके के साथ में इसे 70-80% तक कर लीजिए एंड उसके बाद में बस आप अपना जो गैस है फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं तड़के की तरफ। सो मीनवाइल देखिए, कढ़ाई में जो है वो तेल भी हॉट हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, या आप चाहें तो ऐड करिए, ना करना चाहें तो ना करिए, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। सो मैंने इसे ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिलीज़। सो आप भी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए एंड इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें बाकी बची हुई चीज़ें। आप ऑनियन जैसे हम ऐड करते ही हैं सारी चीज़ों में, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स। एंड मेक श्योर करिएगा जब आप इसका मसाला बनाते हैं तो आपको जो फ्लेम है वो फुल पर ही रखना है, राइट, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। हमने इसको बस यू नो एडेबल के हिसाब से करना है टिल जब तक इसकी जो यू नो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से ब्राउन आउट ना हो जाए। एंड यहाँ पे देखिए, हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 कप ऑफ पीस मटर एंड कैरेट, फाइनली चॉप्ड एक है। सो आप इसी के साथ ले लीजिए। हाँ, अगर आप यहाँ पे यू नो फ्रोज़न वाले यूज़ करते हैं तो हम इसे फिर बाद में ऐड करते हैं, बट मैंने अभी इसको रॉ लिया है तो मैं इसी के साथ में इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देने वाली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं। सो इसी के साथ इन्हें हम डाल देंगे एंड अच्छे से मिक्स करने के, सॉटे करने के बाद में 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम देंगे कि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। एंड जब अरोमा अच्छी आने लगे सो आपको भी समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा जो आपके मटर हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट एंड अप होने लगेंगे। सो इसी के साथ हम बची हुई चीज़ें भी जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। सॉटे करते रहिए जी अपने हिसाब से एंड अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा मार्जिन है तो मैंने 1 मिनट का और वेट किया, बिकॉज मटर ये थोड़ा बड़ा साइज़ वाला है सो ये कच्चापन आएगा मुँह में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। सो बस इसी के बाद में अब हम इसमें रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं, रेस्ट जो वेजिटेबल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कैप्सिकम एंड ये तो यू नो ओपन एंडेड रेसिपी है, आप जितनी मर्जी चाहें उतनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है एंड उसी के अलावा कैबेज ऐड कर सकते हैं, कैबेज भी अच्छी लगती है। मैंने मेरे फैमिली के पर्सनल चॉइस के हिसाब से चीज़ें ऐड की हैं एंड ये जो कॉर्न्स थे ये फ्रोजन है तो इसे मैंने लास्ट में ऐड किया। ये भी 1/4 के कप हैं। सो ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारे घर का पर्सनली फेवरेट है वेजिटेबल्स के मामले में, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करिए, उनको चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ देखिए, हमारा जो ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं ये ऐड हो चुके हैं एंड देखिए, आप वेजिटेबल्स ऐड करें हैं तो मसाले का जो क्वांटिटी है जी वो कम ना पड़े एंड इसका वो ना पिंच जो है वो मेनटेन है एंड ये वेजिटेबल्स आपस में स्लिम ना हो, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो विनेगर ऐड किया है। सो आप भी प्लीज़ ऐड करिएगा, इससे जो वेजिटेबल्स हैं वो खिले खिले लगते हैं एंड थोड़ा सा पेंट आता है, बड़ा अच्छा लगता है।
ठीक है जी। फिर बस ये डालने के बाद में अगर तो आपने इसको नूडल्स स्टाइल में बनाना है तो आप इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करने वाली हूँ एंड मुझे ये इसी तरीके से पसंद है। इसमें हम बस अब ऐड करेंगे टमाटोज जो कि दो हैं, स्मॉल साइज के थे तो मैंने दो लिए हैं, अदरवाइज आप एक भी ले सकते हैं। सो इसके बाद में बस सारी चीज़ों का मैंने जो साइज़ है वो लगभग सेम रखा सो दैट दिखने में बड़ा सुंदर से लगे, कलरफुल। एंड सर्दियों में तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि एंड नंबर ऑफ वेजिटेबल्स आती हैं, खाई भी जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, ठीक है जी। इसी के साथ देखिए हमारी जो मैगी का मसाला है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें जो ऐड करना है, आप इसे दो मिनट के लिए प्लीज़ वेट करिए, अच्छे से पक जाने दीजिए एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि अब वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम मैगी बनाते, बट अब हमने देखिए इतने सारे वेजिटेबल्स ऐड किए तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर थोड़ा सा तो ज़रूरत है ना मसालों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए सारे मसाले डालने के लिए। सो आप इसमें टर्मरिक डाल दीजिए, हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी ग्रीन रेड चिलीज़ भी डाली है, ये कश्मीरी डाली जी, ये तीखा नहीं लगाती है। सो आप इसे डालिए, अब बस थोड़ा सा हम दो मिनट वेट करेंगे कि मसाले अच्छे से जो है वो सारे वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स आउट हो जाए। एंड इसी के साथ देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं एंड मीन वाइल हमारी मैगी भी जो थी वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, उसे मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मेरा स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ मैगी मसाला स्पेशल, वो इसीलिए क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ इतनी सारी सब्जियाँ डाल दी हैं जी, मैगी का टेस्ट भी तो बना करके रखना है। सो बस आप इसी के साथ इसमें मैगी मसाला ऐड कर दीजिए, मैगी का स्पेशल चाहे तो ऐड कर दीजिए, अगर आपको भी मेरी तरह स्पाइसी खाने की आदत है मेरे फैमिली की तरह तो ऐड कर दीजिए, और ना हो तो स्किप कर दीजिए, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं, टेस्ट अच्छा ही आ जाएगा जी, कोई दिक्कत या नहीं। और मैं तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। सो इसी के साथ देखिए सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये प्रॉपरली मिक्स हो चुके हैं एंड अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पे। सो अभी आप देख रहे होंगे ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, वाओ मेरे को तो यू नो ओवरवॉइस करते करते वापस से मन कर रहा है खाने का भी। सो अब देखिए मैगी तैयार हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ना पूरा प्रॉपर भी मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, इसको 90% पे रोक देना है, आपने भी पूरा मिक्स नहीं करना, अदरवाइज देखिए अभी कितनी अच्छी अलग अलग दिख रही है, नहीं तो ये पूरा भरता टाइम बन जाएगा। इग्नोर माई वर्ड्स, मेरी आदत है ऐसी बात करने की। तो बस इसी तरीके से जी आपकी मैगी होगी तैयार, आप इसे डालिए अच्छे मस्त तरीके से मिलाइए, गरम गरम खाइए अपनी फैमिली के साथ। एंड अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल में बने रहिए और इंटरेस्टिंग अच्छे वीडियो जानने के लिए। देखिए हम तो आपके साथ शेयर करते हैं जो हम बनाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगता हो। सो अगर आपको और भी कुछ अच्छी तरीके से बनाना आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करिए कि हम क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं या और क्या सीख सकते हैं, बिकॉज कुकिंग इज़ एंडलेस। आप चाहते जाते जाते और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करते जाते हैं एक्सपीरियंस और बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। सो अपने रिव्यू ज़रूर हमारे साथ साझा करिए कि आपको हमारे चैनल पे आने वाले वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं एंड आप किस तरीके की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसी के साथ हमारा पेज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी है, आप चाहें तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं ये बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे सामने ना होते थे, अब नाउ यूट्यूब के थ्रू ये वर्चुअल फैमिली है, सो अगर हम मैं आपको सर के खिलाफ आती तो आप समझते कि ये बातें ही सिर्फ बोल बोलने में नहीं है, माउथ वाउटरिंग है एंड ये बहुत टेस्टी है एंड यू विल रिलिश इट, दैट इज़ फॉर श्योर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ मैगी मसाला। आने वाले वीडियोज़ में हम और इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा की रेसिपी